को मिला लिया है। ग्रीन चिली डाल दी है, तिल भी डाल दिए हैं। ये सामान हमारा ग्रेवी में काम आएगा। और ये दो ब्रेड लेंगे हम, इसकी कम बना के इसको मिक्सर में डालेंगे। और उसके लिए हमने कट किए थोड़ा सा लहसुन, अदरक, पत्ते वाले प्याज, गाजर और थोड़ा सा प्याज है। बस ये सारा सामान हम इसमें डालेंगे और एक एक डालेंगे। तो ब्रेड के छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम, इससे पानी भी सोख लेंगे और बहुत सारा हमारा मिश्रण भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। बन गए हैं ये, लीजिए इसमें डाल देते हैं। बाकी का सामान भी डाल देते हैं, बाकी सब सामान डाल दिया इसमें। अब हम काली मिर्च काट के डालेंगे, पहले डाल देते हैं। अगर आपके पास वाइट मिर्ची है तो आप वाइट मिर्ची भी डाल सकते हैं, नॉर्मली हम काली मिर्च डाल सकते हैं। दोनों का टेस्ट सेम सा तो नहीं, लेकिन 18-19 के जितना रहेगा, जितना मतलब कि 18 और 21 समझ लीजिए, बस थोड़ा सा रहेगा इतना, तो कोई बात नहीं, चलता है। हम इन सबको मिला लेंगे। सबको मिला के एक एक डाल देंगे इसके अंदर हम। एक का हम पहले पीला पार्ट डालेंगे, वो इनफ हो जाता है तो हम इसका जो है बाकी का हिस्सा नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बना के मंचूरियन उसको फ्राई कर लेंगे, टेस्ट भी देख लेंगे, नमक वगैरह सही है, कहीं कम ज़्यादा हो तो हम उसको फ्राई कर लेंगे। एक बार ट्रायल करके आप चेक कर लीजिए किसी भी चीज़ को, पकौड़ो वगैरह को बनाने से पहले एक ट्रायल तो बनता है, ताकि बाकी चीज़ें अच्छे से बन जाए, वरना किसी में नमक ज़्यादा होगा तो सब में नमक ज़्यादा हो जाएगा, कम होगा तो कम में हो जाएगा, क्योंकि हम सब यहाँ अंदाज से डाल रहे हैं सारी चीज़ें। हालांकि करीब करीब ठीक ही डलती है, लेकिन फिर भी एक ट्रायल ज़रूर बनता है। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं, तेल को गर्म कर। चलिए फ्राई कर लेते हैं, तेल भी गर्म हो गया है, फ्राई हो गया, यानी कि सारा मिश्रण सही है हमारा। टेस्ट करके देख लेते हैं इसको, इसका नमक वमक कैसा है। वाह, अंदर से टेक्सचर अच्छा आया है, यानी कि टेस्ट में भी अच्छा ही होगा। अच्छा, चलिए सारे बना लेते हैं हम।